हरिद्वार के इस बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन में नवदलित विमर्श के दूसरे अध्याय दूसरे संस्करण में आप सभी उपस्थित साथियों का धैर्य देखकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप लगातार धूप में बैठे हैं और शायद मंच पर हम लोग छाया में बैठे हैं, इसलिए वो तकलीफ शायद महसूस नहीं हो रही होगी जो आप इतनी देर से धूप पर बैठकर धूप में बैठकर महसूस कर रहे हैं। साथियों, इस देश में दलित आंदोलन बहुत पुराना, लेकिन नव दलित सम्मेलन या नव दलित आंदोलन एक नई परिकल्पना के साथ आया है, क्योंकि दलित आंदोलन ने दलित प्रश्नों पर जबरदस्त विमर्श किया, दलित अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, लेकिन अब शायद वो वक्त आ गया है जब दलित आंदोलन एक ऐसी बड़ी रेखा खींचने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले जो दरअसल इस आज सिर्फ दलितों की नहीं इस भारत की मुक्ति का एक आंदोलन बने, क्योंकि मसला सिर्फ इतना नहीं है कि आपको आरक्षण मिल जाए और संविधान में आरक्षण की जो स्थिति की है वो आपके सामने हमारे तमाम मित्रों ने रखा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं कुछ थोड़ी सी बात, हालांकि इतना सब कुछ बोला जा चुका है कि मेरे लिए कहने को बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। नहीं, मैं किसी दलित परिवार में पैदा नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों वोट चुनने का अधिकार तो आपको भी नहीं था जो दलित है, वोट चुनने का अधिकार किसी ब्राह्मण को भी नहीं है, वोट चुनने का अधिकार दुनिया में किसी को नहीं है, लेकिन अपनी लाई चुनने का अधिकार हर आदमी को है। हर आदमी को यह अधिकार है कि वो न्याय की लड़ाई में जिस काल में जिस कालखंड में उस धरती को सांस ले रहा है न्याय और अन्याय की लड़ाई में अपना वो पक्ष चुने, वो चुने जिसके लिए हमारे आपसे इसी उत्तराखंड के साथी बल्ली सिंह सीमा लिखते हैं कि तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदम हो। तो साथियों, ये तय करने का वक्त है कि हम किस ओर और किस ओर होने से हमारा मतलब क्या है। साथियों, ये हरिद्वार है, 1867 में दयानंद सरस्वती यहां आए, आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई थी, लेकिन उससे पहले जब वो देश भर में भ्रमण कर रहे थे तो 1867 के कुंभ में दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल शंकर हरिद्वार पहुंचे थे और हरिद्वार के कुंभ में उन्होंने एक पताका फहराई थी, उस पताका पे उन्होंने लिखा था पाखंड खंडनी पताका, पाखंड के खंडन की पताका, तर्क और बुद्धि को प्रतिष्ठित करने की पताका। हरिद्वार ने वो रास्ता दिखाया। मैं आर्य समाज के इतिहास और इसके भविष्य इसके वर्तमान पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन नव दलित सम्मेलन को जहां तक मैं समझता हूं इस आंदोलन को कि देश में लोकतंत्र के नाम पर जो पाखंड चल रहा है उसको खंडन करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और नव दलित सम्मेलन उसी विमर्श को लेकर आपके सामने आया। साथियों, आप जानते हैं मैं पिछले दिनों कई चर्चा हुई हनुमान जी की जाति बताई गई, जाति के प्रकाश को राजनीतिक आंदोलनों में किस लेवल तक ले जाया गया है, इसका एक उदाहरण यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बताया, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप मान लीजिए वो दलित है, लेकिन आप कह क्यों रहे हैं, आपके कहने का मकसद क्या है? आपके कहने का मकसद यह है कि हनुमान जी की तरह आप मूल कर केवल राम राम जपो, हे दलितो तुम प्रश्न मत करो, तुम सवाल मत उठाओ, तुम अपने अधिकार की बात न करो, तुम उसी राम दरबार के चित्र में चरणों की तरह बैठे हनुमान की तरह अनंत काल तक बैठे रहो और इस
की देवताओं की जाति आप खोज ही रहे हो तो फिर मैं हरिद्वार में हूँ जो कंथक के करीब है, तो मैं शंकर जी की जाति खोजता हूँ। शंकर जी की सौराज मानते हैं कंथक में है, आप जानते हैं कैलाश के निवासी। माइथोलॉजी जो हमारे देश के पुराणों में बहुत सी माइथोलॉजी ऐसी है जिनके अगर हम कोई पुनर्व्याख्या कर पाए तो शायद बहुत आसानी से कुछ चीजें हम एक दूसरे को संप्रेषित कर सकते हैं। क्या हुआ था कंथक? कंथक में हुआ ये कि एक पर्वतराज की पुत्री थी, उसने कहा कि मैं शादी एक ऐसे व्यक्ति से करना चाहती हूँ जिसका न कोई घर है न बाप, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं, जो स्मशान में रहता है, जो राख मलता है, जिसके पास भूत पिशाच घर है, जिसके खाने का भी ठिकाना नहीं है। ये सब सुनकर किस जाति का आपके दिमाग में बोध होता है? क्या वो कोई दलित आदिवासी व्यक्ति है जिसके बारे में बोध होता है? और फिर क्या होता है? सती क्या करती है? वो नवती है, वो सीता की तरह स्वयंवर में पिता द्वारा निर्धारित किए गए धनुष को उठाने की शर्त पूरा करने वाले व्यक्ति से विवाह के लिए बाध्य नहीं है। वो कहती है कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करूंगी। और पूरे इतिहास में पहली किताब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी भारत के इतिहास में, जिसे हम संविधान कहते हैं, जिसने स्त्रियों को यह अधिकार दिया जो अपनी मर्जी से अपने पति का चयन करें। इससे पहले यह अधिकार इस देश में किसी ने नहीं दिया। वो पहली किताब है जिसने मनुष्य को मनुष्य से बराबर माना। वो पहली किताब है जिसने कहा कि एक ही वोट से, चाहे वो वोट किसी भी जाति का हो, वो बराबर माना जाए। डॉक्टर अम्बेडकर की यह बड़ी भूमिका रही और इसीलिए उन्होंने जो जाति छोड़ो आंदोलन की बात की, मैं उन मित्रों से कहना चाहता हूं जो आरक्षण को लेकर विमर्श कर रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि आरक्षण जाति के अनुपात में बात हो, बहुत सही बात है। लेकिन सही बात यह भी है कि आरक्षण की यह पूरी लड़ाई इसलिए है जो संविधान द्वारा तय की जा चुकी है। वो बार बार इसको नए नए तेवर में इसलिए लाते हैं कि आपका जो मूल प्रश्न है, जो आपके रोजगार का प्रश्न है, वो पीछे रह जाए। और मैं ये कहता हूं कि आरक्षण से न पहलो यार रोजगार बने मौलिक अधिकार, क्योंकि जब तक रोजगार मौलिक अधिकार बनाने की लड़ाई आप नहीं लड़ोगे तब तक ये आरक्षण के नाम पर वो आपको लड़ाते रहेंगे। आरक्षण तो है, कौन छीन सकता है? हमें भारत की संविधान सभा ने वो अधिकार दिया है और पता है कि किसको कितना आरक्षण मिलना है, उसके लिए कितना फ्रॉड हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आप बहस किस लिए करो। अभी साथियों ने बताया कि 1,10,000 नौकरियां खत्म कर दी गई, तो फिर भी आरक्षण किसी एक जाति को दे दी जाए फिर भी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। और तब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी राजनीतिक, एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था भरे इस देश में जो हर इस देश के नागरिक को उसके रोटी कपड़ा उसके जरूरी है, और इसलिए नौजवान सम्मेलन के जरिए हम आपके सामने वो विमर्श लाना चाहते हैं। साथियों, इस देश को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब तक जातियां रहेंगी तब तक यह देश एक राष्ट्र नहीं बन सकता। जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश में उत्पात बनाते घूम रहे हैं, जो लोग जान को हिंदुस्तानी से ज्यादा महत्व दे रहे हैं किसी हिंदुस्तानी की जान से, वो ये जानने की डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा है कि राष्ट्र का मतलब यह है कि हमारे सुख साझा। अगर आपके सुख में हम सुखी हैं, हमें खुशी हो रही है, तो फिर हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं। अगर आपका आंसू गिर रहा है और हमारा दिल कांप रहा है तब हम एक राष्ट्र के नागरिक। लेकिन स्थिति ऐसी बना दी गई है कि इस देश के गांव गांव, इस देश के कस्बे कस्बे, इस देश के गलियों में जहर की खेती की जा रही है और लोग एक दूसरे के दुख से खुशी और प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। एक अजीब हिंदुस्तान का हमने यहां पर दशहरा देखा हुआ है जो राष्ट्रवाद के नाम पर चल रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी हम भी हैं और आपसे भी हम अपील करते हैं कि आप भी राष्ट्रवादी बने। लेकिन उस राष्ट्रवादी होने का मतलब क्या? उस राष्ट्रवाद का आधार मनुस्मृति होगा या उस राष्ट्रवाद
बात का आधार भारत का संविधान होगा। तो ये तय कर लीजिए और इस तरह से इन फर्जी राष्ट्रवादियों के खिलाफ एक असल राष्ट्रवाद का निर्माण करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक ये देश एक राष्ट्र के रूप में तब्दील नहीं होगा तब तक शायद हम अपने साझा सुख दुख की लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्या कहा रैदास? रैदास ने कहा जात जात में जात है जब केलन के पास, जात जात में जात है जब केलन के पास, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। जो आदमी अपने को मानता है कि वो किसी जाति से जुड़ा है मेरी नजर में, तो क्या वह रैदास की नजर में मनुष्य नहीं है? और आज से 500 साल पहले ये कटौती पेश की गई थी और ये कटौती सबके लिए है। माफ करना साथियों, ये कटौती केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये कटौती केवल क्षत्रियों के लिए, कास्टों के लिए वगैरह वगैरह लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और ये देश में जाति का ध्वंस करना मनुष्य होने की लड़ाई है, राष्ट्र बनाने की लड़ाई है और एक सच्चे वास्तविक अर्थों में एक न्यायपूर्ण हिंदुस्तान बनाने की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि यह होगा कैसे? आप जानते हैं चयन का अधिकार, मैंने सती से बात इसलिए शुरू की, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी आरक्षण से जाति नहीं टूटेगी, जाति टूटेगी कि जब रक्त की शुद्धता का सिद्धांत ध्वस्त होगा। और रक्त की शुद्धता का सिद्धांत जहां पेश होता है वो पेश होता है वैवाहिक संबंधों में, और वैवाहिक आप ये भी नहीं कह सकते कि आप नियम बना दो कि दलित की शादी फला जात से हो तभी उसको कुछ न्याय मिलेगा, क्योंकि विवाह का संबंध प्रेम से है, जबरदस्ती किया हुआ कोई विवाह टिक ही नहीं सकता। लेकिन प्रेम के संबंध में विकसित हो सकते हैं किस समाज में, जहां प्रेम का वातावरण हो, जहरीले वातावरण नहीं हो। इसलिए सांप्रदायिक दहेज के खिलाफ लड़ना दरअसल मनुष्य होने की लड़ाई है और सचमुच एक प्रेम का वातावरण जहां देश के स्त्री पुरुषों को अधिकार हो कि वो जिससे चाहे विवाह करें। जब इस ऐसा एक परिवार आपके सामने हो जहां पर पता चले कि एक मौसा यादव है, जहां पता चले कि आपका कोई एक एक जो है वो दलित है, एक पता चले कि दूसरा पूरा मुसलमान है, वो परिवार सच्चा भारतीय परिवार होगा। साथियों समय बहुत ज्यादा है पर मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, अपनी एक बात कहकर समाप्त करता हूँ कि भारत की परंपरा में बहुत लंबी लड़ाई है। महोपनिषद में कहा गया है अयम नितः परो वेति कर्मादव चेतसाम, और जी अयम नितः परो वेति कर्मादव चेतसाम उदार चरिता नाम का वसुधैव कुटुंबकम। जो लोग ये कहते हैं कि अपना है ये पराया है, ये हिंदू है ये मुसलमान है, ये दलित है ये पिछड़ा है, वो तो बंधीक लोग हैं। असली लोग तो वो है जो बाल के लोग हैं, उनके लिए तो पूरी वसुधा ही एक परिवार है। तो आइए पूरी वसुधा को एक परिवार बनाने के लिए और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए, भारत के संविधान के संकल्पों को पुनर्जीवित करने के लिए, उनका परचम लहराने के लिए और किसी भी रंग के राजनीतिक दल के सामने एक बड़े सवाल बनकर खड़े करने के लिए, खड़े हो जाने के लिए इस नवदलित विमर्श को आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।